कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में, क्योंकि आज एमसीडी के लिए, दिल्ली नगर निगम के लिए वोटिंग हो रही है। घंटे का वक्त पूरा हो चुका है और आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कैसे तमाम नेता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और साथ ही जनता जनार्दन लोकतंत्र में और वोटर भी काफी उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको एक बार फिर से ये बता दें, दिल्ली नगर निगम के लिए वोटिंग हो रही है, एक घंटे का मतदान हो चुका है, 8 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई थी और शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। आप भी अगर वोटर हैं तो घर से निकलिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, आज छुट्टी तो मनाइए लेकिन उससे पहले लोकतंत्र में जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका अधिकार भी है और उसे आप ड्यूटी भी कहिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही अगर आप इस खबर को देश के अलग राज्यों में देख रहे हैं तो आपके लिए समझना जरूरी है कि इलेक्शन भले ही एमसीडी के लिए हो रहा हो लेकिन करीब ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 1,40,00,000 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल दिल्ली में कर रहे हैं और इसीलिए जो बयानबाजी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी के बीच हो, दोनों ही पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर वार पलटवार किया गया है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली के सौंदर्यकरण या फिर जो कूड़े का कुतुब मीनार एक बड़ा मुद्दा जो इन इलेक्शन में कैंपेन पिच के लिहाज से बात की जाए तो वो कूड़े का पहाड़ रहा। कांग्रेस पार्टी भी यहां पर ग्राउंड तलाश रही है और तीनों ही पार्टियों ने इस कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाने की बात यहां पर कही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी दीजिए, एमसीडी के सारे काम केजरीवाल जी आपके भाई, आपके बेटे, आपके परिवार के सदस्य के रूप में कराएंगे। कई बार हमें देखने में आता है रस्साकशी, हालिया योगा क्लासेस में देखने के लिए मिली, तो एक आम लोगों के जहन में सवाल है कि सरकार इतना परेशान होती है तो एमसीडी का काम कैसे होगा? नहीं, एमसीडी के काम भी होंगे, इन्होंने सरकार में इतना परेशान किया लेकिन काम तो रुके नहीं ना। स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बनी, सीसीटीवी लग गए गली गली में, तो इन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि बीजेपी देखिए काम करती नहीं है और चुनाव के अंत में आके कुछ किसी को गाली देती है और फिर वोट मांगने लगती है, किसी को भी गाली देने लगते हैं और वोट मांगने लगते हैं। इनकी यही राजनीतिक स्टाइल है, काम नहीं करेंगे 5 साल जिस काम के लिए जनता ने चुना, 5 साल बाद आएंगे किसी को गाली देंगे और उसके ऊपर वोट मांगने लगेंगे। अब जनता समझ चुकी है इस चीज़ को और जनता अब एमसीडी का जो मेन काम है उस पर आज वोट करने वाली है, साफ सफाई को लेके, अपने लोकल गलियां, लोकल पार्क, इनको लेके। आपने जिक्र किया आरोप का, मुख्य केंद्र सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ही थे बीजेपी के कैंपेन में। इनके पास कुछ और तो था नहीं, ये बता ही नहीं पा रहे थे कि 15 साल से क्या किया या 15 साल में कूड़ा साफ किया नहीं हुआ। दिल्ली की हर गली में कूड़ा फैला हुआ है, कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है दिल्ली में जो अपने घर से निकले और अपने काम तक कहीं जाए और उसको जगह जगह कूड़े के ढेर ना मिलें, कूड़े के पहाड़ ना दिखाई दें। और अब तो ये 16 पहाड़ और बना रहे गली में अपने लोकल टीम में, तो लोगों के घरों में बदबू आया करेगी अगर ये लोग जीत गए तो। 54% मतदान हुआ था और अमूमन मार्च अप्रैल में मई के अंदर चुनाव होते हैं, सर्दियों में चुनाव होने का आपको असर दिखता है? नहीं, अच्छा है, मौसम अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने जाएँ और हर व्यक्ति इस कमिटमेंट के साथ जाए कि मैं 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के जो कूड़ा वाला शासन था अब कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहा हूँ। एक आखिरी कुछ सवालों में, बीजेपी के कैंपेन को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव लाइन के ऊपर था, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पॉल्यूशन के मुद्दे पर, यमुना की सफाई के मुद्दे पर, डिगाओ किसी मुद्दे पर नहीं था, केवल गाली गलौज पे था। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बताओ जो गिनाया हो कि भाई हमने कूड़ा साफ किया कि नहीं किया, हमने पार्क ठीक किए कि नहीं किया। एमसीडी का मेन काम तो वो था ना 15 साल से, भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं वो, अब गाली देने पे उतरे हुए हैं तो गाली पे जनता थोड़ी वोट देती है। परिसीमन के ऊपर आप लोगों ने आपत्ति जरूर दर्ज की बहुत, लेकिन एग्रेसिव एलिगेशन नहीं लगाए, आप आत्मविश्वास से लबरेज थे कि कैसे भी इलेक्शन करा लो आम आदमी पार्टी। तो पता है ना कि दिल्ली की जनता 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है और इधर केजरीवाल सरकार के काम देख चुकी है, केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दी उसके काम देख चुकी है कि भाई इनको स्कूल दिए, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली दी, 24 घंटे बिजली आने लगी, फ्री बिजली के बिल हो गए, पानी के बिल फ्री हो गए, तो इन सब से लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दो वो ठीक से निभाते हैं। बीजेपी को 15 साल से जिम्मेदारी दी, कुछ किया ही नहीं उन्होंने।
तो एग्जैक्टली यही नैरेटिव था जो अभी आप मनीष सिसोदिया को यहाँ पर कहते सुन रहे थे कि दिल्ली सरकार के लेवल पर आम आदमी पार्टी ने डिलीवर किया, ये आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है, और जो लोकल बॉडीज हैं यानी ये जो नगर निगम का चुनाव है इसमें भी जो सत्ता है वो आम आदमी पार्टी को दी जाए, और ये अपने आप में एक चैलेंज रहा है एमसीडी, आम आदमी पार्टी राज्य के लेवल पर असेंबली इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन 2017 में भी बीजेपी को हरा नहीं पाई थी और 49 वार्ड्स ही जीत पाई थी। कई खास मेहमान हमारे साथ है लेकिन इस वक्त हम आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। जल्दी जल्दी प्रमोद शर्मा आपसे शुरुआत करती हूं, तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाइए और हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनका उन्हें लेकर जो वार पलटवार इस बार जो कैंपेन हुई एमसीडी इलेक्शंस में भी उसे लेकर भी काफी बात हो रही है। आप कृष्णा नगर में वहां पर वोटर क्या कह रहा है? बिल्कुल, इस वक्त हम कृष्णा नगर के यहाँ पर पोलिंग बूथ पे हैं और यहाँ पर कई सारे वोटर हैं क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर आता है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में हुए दंगे उसके बाद अभी इलेक्शन हो रहे हैं। सर ये बताइए यहाँ पर आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिसको देकर आप वोट डालने आए हैं, क्या सोचा है? देखिए बिल्कुल साइलेंट वोटर है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। ये बताइए आपने वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं आपके, किस चीज़ को ध्यान में रख के आपने वोट डाला? यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि बाहर आप आते हुए आपने भी नोटिस किया होगा कि कितनी गंदगी है, कूड़ा है, तो हम लोग इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 साल से एक पर्टिकुलर सरकार है जो काम जो सत्ता में है बट उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो इस बार एमसीडी इलेक्शन में हमारा यही वो रहेगा कि हम एक कैंडिडेट को देख के वोट करें और सोच समझ के वोट करें क्योंकि ये 5 साल में हमें विकास की। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो है दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, उसके बाद कोविड भी हुआ, उसके बाद अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या उन चीज़ों को भी सोचा है, देखा है कि इसमें किस तरीके से जो है एमसीडी ने काम किया था, किस तरीके से लोगों के वो पास गए थे या उनके उनकी मदद की थी, उस चीज़ को ध्यान में रखा है या सिर्फ? हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कोविड जैसा जो टाइम था वो कितना ही दुरुस्त टाइम था हम सबके लिए, जहाँ पे लोगों को कितनी ज़रूरत थी, तो एमसीडी एक ऐसा चुनाव था जहाँ पे जो लीडर्स हैं हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम लोगों की आके मदद करे, जो कह सकते हैं कि हमारा ऐसा इस बार नहीं हुआ जो हम लोग सरकार से सपोर्ट करते हैं, बट हम चाहते हैं कि इस बार एमसीडी फेस कैंडिडेट के फेस इलेक्शन है। बिल्कुल अदिति, इससे पहले भी के फेस को देखते हुए उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। शुभांग ठाकुर हमारे साथ है मटियाल से, थोड़ी देर पहले प्रवेश वर्मा की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। शुभांग, वहां पर अगर प्रवेश वर्मा हो और आप उनकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएं, काफी हाई डेसिबल नैरेटिव सेट किया गया बीजेपी द्वारा। प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ है, सर क्या आप पहले यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, क्या लगता है इस बार यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए बड़ा अच्छा माहौल है, मेरी लोगों से बात हुई है तो लोग बहुत खुश हैं और सभी चाहते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी की पार्टी को ही वोट डालें, तो अंदर मैंने काफ़ी लोगों से बात किया और सबने ऐसे वी करके मोदी जी के बारे में बोला तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दिल्ली में लोगों से बात करके अनुमान मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 210 सीटें जीतेगी। यहाँ पर पिछली बार निगम पार्षद में आम आदमी पार्टी के सब वो थे, तो आप बताइए कि क्या लगता है आपको, कितना काम यहाँ पर हुआ है? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम जिस सीट पर हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी का ही निगम पार्षद था, तो केजरीवाल बोलते हैं कि हम आके कुछ उसमें चेंज करेंगे, तो दिल्ली में 49 पार्षद तो आम आदमी पार्टी के थे, उनके वार्ड में ही जाके देख लें कि वहाँ पे कितनी गंदगी है। आप इस वार्ड में थोड़ा सा घूमेंगे तो आपको पता लगेगा आज भी कितना कूड़ा वगैरह गंदगी है, तो वो बीजेपी ने नहीं कराई, वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था उसने कराई, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद को लेंटर मैन के रूप में नाम से जाना जाता है, हर घर से वो पैसा इकट्ठा करता था, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उसके वीडियोस वगैरह भी बने थे। तो लोग बहुत समझदार हैं, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, सोच समझ के फैसला करेंगे। जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने दिल्ली में दंगा कराया, जो हमारे दिल्ली में जब सारे लोग ऑक्सीजन मांगते थे और वो शराब पॉलिसी लेके आए, तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, सारी बातों को भूलते नहीं हैं, चुनाव में आते हैं तो वो उसका अपना जवाब देते हैं। आपकी अपील क्या होगी वोटर्स को लेकर? देखिए मेरी अपील ये है कि कोई भी आदमी अपने घर पर ना बैठे, क्योंकि एक एक वोट हमारा कीमती रहता है। हर आदमी सोचता है कि मेरी एक वोट से क्या हो जाएगा, मेरी एक वोट से कोई सरकार नहीं बन जाएगी, ऐसा ना सोचे। हमारी दिल्ली भारत की राजधानी है, 80% तक अगर यहाँ पे वोट डले मैं समझता हूँ तभी एक अच्छी सरकार को चुना जाएगा। जी तो देखिए
वाराणसी में बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा, इन्होंने बताया कि देखिए अंदर जब ये वोट डालने के लिए गए थे मटियाला, इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरों पर दिखा रहा हूँ मटियाला विलेज, यहाँ पर इन्होंने अपना वोट डाला है और इनका ये कहना है कि अंदर जब लोगों से इनसे बात हुई तो उन्होंने इनको विक्ट्री साइन दिखाया और यही कहा कि इस बार आप ही जीतेंगे, मोदी जी का यहाँ पर नाम लिया और साथ ही जब हमने भी यहाँ पर लोगों से बात की तो वार्ड्स में जीत का दावा बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा यहाँ पर कर रहे हैं, बड़ी जीत का दावा बीजेपी के लीडर्स बार बार और लगातार कर रहे हैं। कपिल मिश्रा का भी बयान आया है, कह रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी की जीत तय है और दिल्ली गुजरात दोनों जगह आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए जब एमसीडी इलेक्शंस को लेकर ये कवरेज आप देख रहे हैं तो सोचिए ये दरअसल गुजरात में जो दो फेज का इलेक्शन है उसके एकदम बीच में है। पहले फेज की पोलिंग गुजरात में हो चुकी है, सेकंड फेज की पोलिंग 5 तारीख को होनी है और उससे पहले एमसीडी में वोट मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख, करीब 1 करोड़ 40 लाख वोटर्स। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर ने कपिल मिश्रा से खास बातचीत की है, सुनिए। दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव है और जनता तय करेगी कि एक बार फिर से एमसीडी में बीजेपी की वापसी होती है या परिवर्तन आता है। कपिल मिश्रा हमारे साथ है, पहला और सीधा सवाल, आप लोगों ने पुरजोर कोशिश की इस बार, खूब देखा हमने स्टार कैंपेनिंग हुई है, तो जनता से आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं जनता से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के नए नगर निगम का पहला चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है, ऐसे लोगों के लिए वोट करें जो मोदी जी के सपने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, क्योंकि नया नगर निगम सीधे केंद्र सरकार के अंडर में है, अब इसमें बीच में किसी का कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज़, पिछले 8 साल का हिसाब किताब करने का समय आ गया है, शराब के ठेकों का, गंदी नदी का, जहरीली हवा का, दिल्ली के दंगों का, झूठे वादों का, जो हमारे कच्चे कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड में, DTC में, PWD में पक्के नहीं किए गए, उनका, आंगनबाड़ी के दर्द का, गेस्ट टीचर के दर्द का, सबका हिसाब किताब एक उंगली से करने का आज दिन है। घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए। 8 साल का हिसाब किताब आप लोग मांग रहे हैं तो 15 साल का हिसाब किताब आप लोगों से भी तो मांग रहे हैं। 15 साल का पूरा, जनता इसीलिए तो भर भर के आ रही है वोट डालने के लिए और ढूंढ रही है EVM में कहां पर कमल का निशान है। जनता 15 साल भी देख चुकी है और 8 साल भी देख चुकी है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि दिल्ली के नए नगर निगम का पहला मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि एमसीडी छोड़िए, हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं, एमसीडी तो छोड़ दीजिए। 7 तारीख को दिल्ली में उनका क्रियाक्रम होगा और 8 तारीख को गुजरात में उनका पिंडदान होगा। तो साफ तौर पर आपने देखा चुनाव का आज दिन है और ऐसे में व्यस्तता है, लेकिन फिर भी कपिल मिश्रा यहाँ पर कहीं ना कहीं वोटरों से अपील भी करते हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए आए। कैमरा पर्सन विकास के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी नेता हर्षवर्धन की तस्वीरें, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, उनके वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रवेश वर्मा की तस्वीरें भी दिखाई थी, बीजेपी के सांसद, कांग्रेस पार्टी से अजय माकन और मनीष सिसोदिया के रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ये कह रही है दिल्ली की जनता से, जो कि उनका नारा भी रहा कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का ही पार्षद होना चाहिए एमसीडी में, लेकिन एमसीडी इलेक्शन जो है वो बड़ा चैलेंज रहे हैं ये देखते हुए कि दिल्ली में असेंबली के लिहाज से आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन अगर एमसीडी में बात की जाए तो वहां पर चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बरकरार रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ हैं। शिवांगी ठाकुर, थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा के साथ आपकी बातचीत हमने देखा, कूड़े का कुतुब मीनार, साफ सफाई, दिल्ली का सौंदर्यकरण, पार्क, अतिक्रमण, इसके अलावा जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसमें भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, लेकिन हमने एट द सेम टाइम यह भी देखा कि किस तरह से दिल्ली दंगों का जिक्र भी बार बार किया गया, दिल्ली दंगों का जिक्र किया गया, ताहिर हुसैन का नाम बार बार लोगों को याद दिलाया गया। साफ तौर पर देखिए अदिति, राजनीति इसी को कहा जाता है क्योंकि मौका कुछ और है, दस्तूर कुछ और है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम राजनेता करते हैं और वही अभी कपिल मिश्रा करते हुए नजर आया। और सबसे बड़ी लाइन जो उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में कही है वो ये कि 7 तारीख को क्रियाक्रम होगा, 8 तारीख को पिंडदान होगा, तो यहाँ पर भी वो कोई भी मौका छोड़ते हुए नजर नहीं आया आम आदमी पार्टी पर निशाना कसते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों की राजनीति कौन कर रहा है, कूड़ा बहुत बड़ा मसला है को लेकर इस बार जी डॉक्टर साहब बोलिए। अरे कैमरा पीछे करो, मैं आपको मोबाइल आपको सर 10 कदम दो आगे बस, प्लीज थोड़ा सा साइड, इसके
वोटिंग में दिक्कत आएगी बैठ में, इसको थोड़ा सा आगे ले लो, थोड़ा सा साइड ले लो, थोड़ा वोटिंग में दिक्कत, वोटिंग में दिक्कत दिमाग में, थोड़ा सा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ माइक ऊपर कर ठीक है। जो मुद्दे डॉक्टर साहब बीजेपी ने उठाए चुनाव में, क्या आज भी मतदाता वही सोच के निकला है, आपको पता है कि किस मुद्दे पर उसे वोट डालना है? देखिए, मतदाता बहुत समझदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता बाहर भी निकलेंगे बड़ी संख्या में, विशेषकर युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी, और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए, और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है, वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं, कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों, ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में एमसीडी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। वो दिल्ली में जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है, और आज पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, देश को एक असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देश के अंदर समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग, सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है, और कोई समाज जीवन के अंदर कोई ऐसा वर्ग, कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा करोड़ों लाभार्थियों की लंबी एक सूची ना हो। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।